iPhone आई फोन इलेवन सिक्स पॉइंट वन इंच जीबी रैम Apple A13 सो दस 1310 mAh की बैटरी भाई और 50000 में आपको क्या चाहिए आइए आज बात करते हैं iPhone 11 की 11 के बारे में इसकी बैटरी के बारे में आपको डिटेल बताएंगे एंड देन इसके कैमरे का ना सारा रिव्यू आज सारी पोलें खोल देंगे इसके कैमरे की और क्या क्या मसले हैं कैमरों में या क्या मसले नहीं है कैमरों में आज इसके बारे में बात करेंगे तो बने रहिए वीडियो के साथ सब्सक्राइब एज इट इज फॉर मोर भाई बैटरी की और बात करें

मोबाइल आता है तो कितनी स्मूथली बैटरी ड्रेन हुई है दूसरे मोबाइल जो के घंटे में बैटरी रखते हैं या एक दिन में दस घंटे तक एवरेज टाइम देते हैं तो इसका एवरेज टाइम उनसे चौदह घंटे ना बैटरी दे जाती है और मेरे ख्याल से गेमिंग में यूट्यूब में या किसी भी चीज में इसको यूज करे ना रफली भी यूज करे ना तो ये बैटरी ऑलमोस्ट बारह से चौदह घंटे ईजिली दे जाती है इसको यूज करके देखा हुआ है ये कुछ दिनों से मेरे यूज में है मोबाइल मैंने इसको

मतलब वाइड एंगल कैमरा होता है ट्वेल्व मेगा पिक्सल का ट्वेंटी mm जो वाइड कैमरा एंगल एक मिलता है एंड देन हमें मिलता है ट्वेल्व मेगा पिक्सल में थर्टीन एम एम का अल्ट्रा वाइड कैमरा जिसे हम जीरो पॉइंट फाइव वाला कैमरा भी कहते हैं ये सेकंड कैमरा है इसमें टेलीफोटो लेंस वाला कैमरा नहीं है मतलब इनके पोर्ट्रेट में जूम इन वगैरह या जूम आउट वगैरह ना वो हमें देखने को नहीं मिलता है तो इसमें हम पिक्चर क्लिक कर सकते हैं वन एक्स पे या जीरो पॉइंट फाइव पे तो वीडियो क्वालिटी की बात करें तो वीडियो भी हम वन एक्स पे या जीरो पॉइंट फाइव पे रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियो को, वीडियो को

हम इससे कर सकते हैं मगर के लिए बेहतरीन जो है ना वो इसका बैक कैमरा है फ्रंट कैमरे पे इसके सेचुरेशन ज्यादा बढ़ जाती है या अगर लाइटिंग हो तो ये एक तरह से कैप्चर नहीं कर सकता है फ्रंट कैमरे से मगर बैक कैमरे से ये कैमरे ए, या रियर कैमरे तो लेवल हो जाता है ना पूरा पूरा तो इस इतने पैसों में कल ये पाकिस्तान में मिल रहा है साठ हजार में ना एक अच्छा वेरिएंट मिल रहा है कमाल का वेरिएंट है कैमरे के लिहाज से भी देखें या या इसका डिस्प्ले सबसे अच्छी बात तो इसका डिस्प्ले है। का डिस्प्ले है का मिलता है लोग चाहते हैं कि बड़ा मोबाइल हो है ना तो इसमें बाकी जो मोबाइल है वो छोटे मतलब आ जा रहते हैं इसकी स्क्रीन में वो इसके लिहाज से ना या इसके वाइड एंगल के लिहाज से तो साउंड भी इसका अच्छा है साउंड में भी दोनों स्टीरो स्पीकर वगैरह आ जाते हैं तो मेरे ख्याल से इस रेंज में इतनी रेंज में

एक्स को तो वो लगता है की एक ओल्ड चीज़ है या बोल्ड चीज़ है ना तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा सब्सक्राइब तो लाजमी करिएगा अल्लाह हाफिज